गुड बिजनेस टू एवरीवन, मेरा नाम गगन है और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं पांच ऐसे सक्सेसफुल मंत्रा जो आपको एसॉट के अंदर कामयाब कर सकते हैं। कामयाबी हर किसी के लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए खुद को कामयाब करना या फैमिली को कामयाब करना या सोसाइटी के लिए कुछ करना या फिर इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लाइफ में बेसिकली दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो काम करते समय सिर्फ उतना काम करते हैं जितने में उनका कोटा पूरा हो जाता है। दूसरे वो लोग होते हैं जो उससे नेक्स्ट लेवल जाते हैं, जो प्रमोशन की तरफ आप भागते हैं। और हमें पता है कि एसॉट में अगर मुझे एक एज अ सेलर काम करना है तो मुझे प्रमोशन की तरफ भागना बहुत ज़रूरी है। सो आज इस वीडियो में आपके साथ पाँच ऐसे सक्सेसफुल मंत्रा शेयर करने वाला हूँ जिसे यकीनन जानने के बाद, समझने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि ये पांच चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला टिप है करैक्टर एंड एथिक्स। करैक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी लाइफ के लिए। अगर हम एथिकली काम करते हैं तो पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आज तक मेरे को कभी भी पैसे की प्रॉब्लम नहीं आई। इसका रीज़न क्या है कि मैं हमेशा एथिकली मैंने काम किया है, मैंने अपने पैसे को अपना समझा है, संभाल के उसको खर्च किया है और सामने वाले के पैसे को सामने वाले का समझा है। तो इस तरीके से मेरे को कामयाब होने में काफ़ी मदद मिली। मैं आज एक एस रैंक पर हूँ। मैं 2015 में एस रैंक पर पहुँच गया था और उसके बाद मुझे कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आए कि मेरी जेब में बिल्कुल भी पैसे ना हों, राइट। तो ये चीज़ आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, करैक्टर एंड एथिक्स। अगर आप इन दोनों को अपने साथ जोड़ लेते हैं और इसको अपनी कोर वैल्यू बना लेते हैं, अपने रूल्स बना लेते हैं, तो ये चीज़ें आपके पूरी लाइफ आपके लिए मदद करेंगी और ये सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, ये आपकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर बहुत गहरा असर डालती है। सो नंबर टू इज़ पर्सनल इम्प्रूवमेंट। पर्सनल इम्प्रूवमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मैं कुछ ही चीज़ों के ऊपर बात करना चाहूँगा। पर्सनल इम्प्रूवमेंट के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके सोचने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपके समझने का तरीका। इन सारी चीज़ों को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है और इन चीज़ों के लिए आप कोर्सेज की मदद ले सकते हैं, किताबों की मदद ले सकते हैं, सेमिनार्स की मदद ले सकते हैं, वर्चुअल मीटिंग्स की मदद ले सकते हैं और भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो हैं आप कर सकते हैं। सो पर्सनल इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम ज़रूर कीजिए। जैसी आपकी इनपुट होगी वैसा ही आपको बाहर सब कुछ मिलेगा। सो इसलिए पर्सनल इम्प्रूवमेंट पे खास ध्यान दीजिए। तीसरा टिप है लर्न टू रिलेट। जो भी चीज़ें हमारे काम से रिलेट करती हैं हमें उन चीज़ों के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं तो प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट की डिटेल्स क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, वो सारी चीज़ें आपको रीड करना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ एसॉट से नहीं, आप उस प्रोडक्ट के बारे में, अगर वो थर्ड पार्टी वेंडर प्रोडक्ट है तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो ईजिली मिल जाएगी, राइट। या फिर इसके अलावा अगर आप किसी को एसॉट अपॉर्चुनिटी प्लान दिखाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी पहले सीखिए। सीखने के बाद आप जब उसको बताएंगे धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी एंड धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट जो है वो आप अपने आप में देखना शुरू कर देंगे। सो ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी ज़रूर काम कीजिए। नंबर फोर टिप इज़ कंसिस्टेंसी। आपको रेगुलर बेसिस पे प्रॉस्पेक्टिंग करनी चाहिए और रेगुलर बेसिस पे आप अपनी कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट बना के रखिए, चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर वर्चुअल हो, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एवरी सिंगल डे ये छोटे छोटे एफर्ट्स डालते जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी आउटपुट जो है वो अपने आप अच्छी होने लगेगी, आप में आपको अपने आप ही इम्प्रूवमेंट दिखनी शुरू हो जाएगी। सो कंसिस्टेंसी किसी भी फील्ड के अंदर बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी का सिंपल मतलब ये है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं आप उसको कॉन्टिन्यूसली एवरी सिंगल डे कर रहे हैं, चाहे वो सीखने की बात हो, प्रॉस्पेक्टिंग की बात हो, कम्युनिटी के साथ एंगेज होने की बात हो या फिर वेबिनार अटेंड करने की बात हो, कोई भी बात हो, कंसिस्टेंसी रखिए। आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट, हर चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। सो पांचवा टिप है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का सिंपल मतलब है कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगी आप उसके प्रति आभार जता रहे हैं, आपकी किसी ने मदद की आप उसके प्रति उसका आभार जता रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने में ये चीज़ बहुत मदद करती है और एक दूसरे को अच्छा फील करवाती है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा ग्रैटिट्यूड के बारे में, ये चीज़ पर्सनली मैंने भी की है। आपको लाइफ में जब भी कभी चैलेंजेस आते हैं ना, उस टाइम पर ग्रैटिट्यूड को ढूंढने की कोशिश करना। आप एसॉट में जब भी आपको कोई चैलेंज आता है, ठीक है, बिजनेस में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो लोगों की होती है, बिजनेस की अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, राइट। सो ग्रैटिट्यूड को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा जब भी आपको कोई चैलेंज आता है। आप यकीन मानिए एक ऐसी वाइब्स फैला देगा चारों तरफ कि एक जादू सा हो जाएगा, एक चमत्कार सा हो जाएगा इस वजह से,
इसे दिल से करने की कोशिश कीजिएगा, आप देखेंगे आपके रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे होने लगेंगे। सो मुझे उम्मीद है ये 5 टिप्स जो आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी, और मैं आगे भी ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। और अगर आप ASOT में नए हैं तो मेरे रेफरल कोड से साइनअप कर सकते हैं, रेफरल कोड और ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नीचे दे दिया है। और इसके साथ ही ASOT के ऑफिशियल चैनल को भी ज़रूर फॉलो कीजिए, उसके लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है। थैंक यू सो मच गाइज़।